राजधानी की सड़कों पर सितंबर से डीटीसी की नई बसें अलग अलग रंग रूप में नजर आएंगी। 600 बसों के इस बेड़े में तीन तरह की बसें हैं जिन्हें सुविधाओं के लिहाज से लाल, हरे और सफेद रंग में डेकोरेट किया जाएगा। अब तक दिल्ली की सामान्य डीटीसी बसों में सफर करने वाले लोग सितंबर से इन रंग बिरंगी बसों में सफर कर सकेंगे और वो भी अपनी जेब की क्षमता के अनुसार। लाल रंग की बस लो फ्लोर और आधुनिक तो होगी पर वातानुकूलित नहीं, लेकिन हरी बस पूरी तरह से एसी होगी। कॉमनवेल्थ गेम्स के मद्देनजर सफेद बसें चलाई जाएंगी। इन सभी बसों में विकलांगों के बैठने की खास सुविधा होगी। मॉडर्न बसेस आएंगी और उनमें एयर कंडीशन भी है, 25-30 शायद एयर कंडीशन है, आ जाएंगी सितंबर अक्टूबर तक। 770 करोड़ रुपए की योजना में इन बसों के कलर कॉम्बिनेशन पर खास जोर दिया गया है ताकि रात में भी इन्हें आसानी से पहचाना जा सके। इतना ही नहीं, वक्त की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बसों के डिजाइन में भी व्यापक फेरबदल किए गए हैं। जितनी बसेस आ रही हैं ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड की बसेस होंगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बसेस होंगी। ये अभी मॉडल्स जो हैं, ये मॉडल्स आप देख लीजिए। कॉमनवेल्थ खेलों की तैयारी में लगी सरकार ने बसें बदलने की मुहिम तो चालू कर दी है, लेकिन पहले से 13,000 करोड़ के घाटे की मार झेल रही डीटीसी को नुकसान से बचाने के लिए क्या किया है, ये एक बड़ा प्रश्न है। पूनम मेहता द्विवेदी, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।